हेलो दोस्तों, आप सभी को क्यूरियोसिटी वर्ल्ड में स्वागत है। मैं हूं सनी और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं बात करने वाला हूं यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स के बारे में। ये एक दरअसल नया चैप्टर है जिसमें मेजरमेंट ऑफ मटेरियल्स एंड वर्क के बारे में मैं इन डिटेल बात करने वाला हूं। सो सबसे पहला जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है। तो इसमें हम जानने वाले कि कैसे डिफरेंट यूनिट ऑफ वर्क मतलब यूनिट ऑफ वर्क मतलब डिफरेंट डिफरेंट वर्क होता है एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। ब्रिक वर्क, प्लास्टरिंग वर्क, फाउंडेशन वर्क, एक्सकेवेशन वर्क, फ्लोरिंग वर्क, रूफ वर्क, ऐसे बहुत सारे चीज़ होता है, बहुत सारे वर्क्स है। वो सभी वर्क्स की इन डिटेल जानकारी जानकारी मैं इसमें इस वीडियो में देने वाला हूँ। और इन सभी वर्क का जो हम मेजरमेंट्स लेते हैं वो किस हिसाब से लेते हैं, कैसे कैसे इसका मेजरमेंट्स लिया जाता है वो हम इन डिटेल, इसका यूनिट्स क्या होता है उसको इन डिटेल में जानने वाले। तो द यूनिट ऑफ दिस मेजरमेंट्स आर मेनली कैटेगराइज फॉर द नेचर, शेप एंड साइज ऑफ एंड फॉर द मेकिंग पेमेंट्स टू द कॉन्ट्रैक्टर। सो जो हम यूनिट्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो करते हैं वो हम पर्टिकुलर वर्क का वो किस हिसाब से करते हैं, वो अपना नेचर जो है उसका नेचर के बेसिस पे, शेप एंड साइज के बेसिस में, एंड जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर उसका पेमेंट करता है उसके बेसिस में भी हम वो इसके यूनिट्स पकड़ते हैं। सो कुछ दे रख लेते हैं कुछ जो प्रिंसिपल होता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट का। जो सिंगल यूनिट ऑफ वर्क लाइक डोर्स, जो दरवाजा है, खिड़की है, ड्रासेस है, उसको हम नंबर्स में काउंट करते हैं। तो मतलब उसका पेमेंट कैसे होता है, वो जितना चाहिए होता है, जितना नंबर ऑफ डोर चाहिए होता है, जितना नंबर ऑफ विंडोज चाहिए होता है, ड्रासेस चाहिए होता है, उसके बेसिस पे हम हमारा जो पेमेंट करते हैं उसके बेसिस से हमारा जो एस्टिमेट करते हैं। तो नंबर ऑफ दैट यूनिट ऑफ दैट पर्टिकुलर डोर, विंडो, ट्रस, वो उसके बेसिस में हम करते हैं उसका कैलकुलेशन। सो सेकंड वाला है जो वर्क कंसिस्ट ऑफ द लिनियर मेजरमेंट्स इन्वॉल्व द लेंथ लाइक कार्निश, फेंसिंग, हैंड रेल, बैंड्स, सब स्पेसिफाइड विड्थ एक्सेट्रा। सो ये सभी हम रनिंग मीटर्स में मेजर करते हैं, ताकि जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पर ले ले कि अगर जो फेंसिंग देते हैं, फेंसिंग का जो हाइट वो तो कॉन्स्टेंट ही रहता है ना, फेंसिंग का जो हाइट वो कॉन्स्टेंट रहता है, तो कॉन्स्टेंट रहने से तो कोई डिफरेंस नहीं आता है, तो हम इसको लीनियर मेजरमेंट में हम मेजर करते हैं। सो नेक्स्ट वाला जो है वर्क कंसिस्ट ऑफ द रियल सर्फेस मेजरमेंट इन्वॉल्व द एरिया लाइक प्लास्टरिंग, वाइट वॉशिंग, पार्टीशन विद स्पेसिफाइड थिकनेस। जो हमारा चीज़ें है, बहुत सारी चीज़ें होता है जिसका थिकनेस कॉन्स्टेंट ही रहते हैं, जिसका थिकनेस कॉन्स्टेंट मतलब डेप्थ कॉन्स्टेंट रहते हैं, बहुत कम रहते हैं जिसका डेप्थ। सो उसमें क्या करते हैं, हमारा जो एरिया होता है, जितना एरिया हमें वो पर्टिकुलर वर्क हुआ है वो एरिया हम कंसिडर करते हैं हमारा मेजरमेंट में। जितना एरिया हमारा वो पर्टिकुलर वर्क होगा उस एरिया के बेसिस में हमारा एस्टिमेशन में हम मल्टीप्लाई मेजर करेंगे। सो प्लास्टरिंग जैसे एग्जाम्पल है, प्लास्टरिंग का जो हमारा विड्थ होता है, जो थिकनेस होता है वो हमारा कॉन्स्टेंट ही रहता है, तो जितना एरिया का हमारा वो होगा प्लास्टरिंग होगा उतने एरिया का ही हम पैसे देंगे, इसको हम एरिया में हम मेजरमेंट करते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा है वो है वर्क कंसिस्ट ऑफ क्यूबिकल कंटेंट विच इन्वॉल्व्स अ वॉल्यूम लाइक आर्थवर्क, कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट एंड मेसनरी। ये सभी चीज़ें हम वॉल्यूम में मेजर करते हैं, जैसे कि हमारा जो आर्थवर्क एक्सकेवेशन है, मिट्टी जो खोदते हैं वो हम वॉल्यूम में मेजर करते हैं। फिर हमारा जो सीमेंट कंक्रीट यूज़ होता है वो हम वॉल्यूम में कंसिडर करते हैं, जितना वॉल्यूम चाहिए होगा उसके हिसाब से हम एस्टिमेट करेंगे मल्टीप्लाई करें। मतलब हमें अगर मिल गया कि यूनिट वॉल्यूम ऑफ दैट वर्क का वैल्यू कितना है, उसको अगर मिल गया तो हमें टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्क, वो पर्टिकुलर वर्क जितना होगा टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करने से हमें पूरा रेट मिल जाए। सो इसको हम इसका यूनिट हमारा क्यूबिकल मीटर्स में एक्सप्रेस करते हैं। सो अभी हम देख लेंगे कुछ मेन आइटम ऑफ वर्क। तो क्या क्या वर्क होता है, कुछ मेन आइटम ऑफ वर्क, क्या क्या वर्क हमें चाहिए होगा अगले जितने सारे वीडियोस में, मैं जो सब प्रॉब्लम्स होगा प्रॉब्लम्स कराने वाला हूँ, उस प्रॉब्लम्स में क्या कुछ कुछ वर्क होगा, जो आइटम ऑफ वर्क है वो करने वाले हैं। तो इसका कैसे हमारा मेजरमेंट होगा इन डिटेल और कुछ स्पेसिफिकेशन हम देख लेंगे इस वीडियो में। सो तो मेन आइटम जैसे कि पहला जो है वो आर्थवर्क है। आर्थवर्क में वो हमारा जो कैलकुलेट होता है वो मीटर क्यूब में कैलकुलेट होता है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ये वॉल्यूम में हम मेजर करते हैं। इसका कुछ चीज़ें हैं जो आप पढ़ने से आप सबको समझ आ जाएगा, इसमें कुछ समझाने वाले बात नहीं है, आप पढ़ लीजिए देख के वो समझ आएंगे कुछ चीज़ें। नेक्स्ट हमारा जो है वो कंक्रीट फॉर फाउंडेशन। फाउंडेशन में जो हम कंक्रीट यूज़ करते हैं, यहाँ पे आप इमेजेस देख सकते हैं। सो कंक्रीट फाउंडेशन में जो हमारा कंक्रीट यूज होता है वो हम मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। और नेक्स्ट वाला ये सभी चीज़ें आप पढ़ लीजिए सिमिलर। स्वेलिंग का, स्वेलिंग जो वो होता है हमारा जो फाउंडेशन के ऊपर
वो ब्रिक से एक लेयर बनाया जाता है, उसको हम सोइलिंग बोलते हैं। तो सोइलिंग का जो हमारा मेजरमेंट होता है वो भी वॉल्यूम में होता है, क्यूबिकल यूनिट मीटर क्यूब में हम कंसिडर करते हैं। सो नेक्स्ट हमारा है डीपीसी, डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स। सो डीपीसी एक ऐसा कोर्स होता है जो हमारा फाउंडेशन के ऊपर दिया दिया जाता है, ताकि हमारा जो मॉइस्चर मॉइस्चर फाउंडेशन को फाउंडेशन से हमारा जो मेन बिल्डिंग है वहाँ पे ना आ सके, वो उसके लिए हम डीपीसी देते हैं। डीपीसी का जो हमारा मेजरमेंट करते हैं वो डिफरेंट है थोड़ा, उसको हम एरिया से मेजर करते हैं, मतलब जितने एरिया का डीपीसी हम देंगे उतना एरिया का ही हम पैसे देंगे, उतना एरिया ही हम अपना एस्टिमेट में कंसिडर करेंगे। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि डीपीसी का जो हमारा थिकनेस है वो थिकनेस कॉन्स्टेंट ही है। सो इसको डिफरेंस ज़्यादा कुछ नहीं, दो ही तरीके का डीपीसी होता है, एक 1 इंच का, एक 0.75 का। 1 इंच मतलब 2.5 सेंटीमीटर का डीपीसी होता है या 2 सेंटीमीटर का डीपीसी होता है। तो इसलिए हम एरिया कंसिडर करते हैं, जितना एरिया का हमारा डीपीसी देंगे उसके बेसिस में हम हमारा एस्टिमेशन में मेजर करेंगे। नेक्स्ट हमारा है मैसनरी। मैसनरी का जो हमारा वो मतलब दीवार दीवार जो बनाते हैं, दीवार का जो काम होता है उसमें हमारा मेजरमेंट हमारा मीटर क्यूब में होता है, मीटर क्यूब में होता है, जो जो जितना जितना ब्रिक चाहिए होता है, ये सभी जितना वॉल्यूम ऑफ वर्क हो, जितना वॉल्यूम ऑफ वर्क रहेगा उस वॉल्यूम को हम मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट वॉल्यूम बनाने के लिए जितना पैसा खर्च होता है, यूनिट वॉल्यूम ऑफ मैसनरी वर्क करने में जितना पैसा खर्च होता है उससे हमारा टोटल वॉल्यूम जितना हमारा मैसनरी का वर्क हुआ उससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारा मिल जाएगा हमारा मैसनरी का कॉस्ट जितना गया। इसमें कुछ चीज़ें हैं, और एक चीज़ जो यहाँ पे जो प्लास्टरिंग है, मैसनरी में जो प्लास्टरिंग होता है वो अलग से हम कंसिडर करते हैं। प्लास्टरिंग में हमारा जो मेजरमेंट होता है वो एरिया से कंसिडर करते हैं, मतलब डीपीसी की तरह उसका प्लास्टरिंग का भी जो थिकनेस होता है वो कॉन्स्टेंट ही रहता है, लाइक दैट ऑफ डीपीसी। सो हमारा जो प्लास्टरिंग का जो वर्क है उसको हम एरिया से मेजर करते हैं। मैसनरी का कुछ इमेजेस है यहाँ पे, आप देख लीजिए डीपीसी का है। सो नेक्स्ट हमारा जो है फाउंडेशन आरसीसी वर्क। ओके, नेक्स्ट हमारा है आरसीसी वर्क। आरसीसी वर्क मतलब जो हमारा स्लैब रूफ स्लैब, फिर बीम लिंटल कॉलम फाउंडेशन एक्सेट्रा, इन सभी चीज़ों में जो हमारा रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट जो यूज़ होता है वो हमारा जो यूज़ होता है वो हम मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। और इसमें हमारा जो स्टील रीइंफोर्समेंट यूज़ होता है वो भी हम इंक्लूड करते हैं, वो हमारा द स्टील हमें द वॉल्यूम ऑफ द स्टील इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम आरसीसी वर्क, वो स्टील हम स्टील स्टील भी वो हमारा आरसीसी वर्क में कंसिडर करते हैं। तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, जो हमारा जो बीम में जो स्टील बीम में जो हमारा स्टील यूज होता है वो 1-2% होता है, फिर हमारा जो कॉलम में यूज होता है वो 1-5% होता है, फिर लिंटेल एंड स्लैब में 0.7-1% होता है, एंड फाउंडेशन में 0.5-8 होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये साम करने में चाहिए होगा। नेक्स्ट हम जो साम करेंगे रेटिनलाइसिस करेंगे तब हमें ये चीज चाहिए होगा। नेक्स्ट हम फ्लोरिंग देख लेते हैं। फ्लोरिंग में हमारा क्या होता है, जो फ्लोरिंग का जो मेजरमेंट होता है ग्राउंड फ्लोर में जो मेजरमेंट होता है उसका, उसमें हमारा मार्बल्स या बेस लाइम कंक्रीट या फ्लोर फिनिशिंग ऑफ सीमेंट कंक्रीट से जो भी है वो हम देते हैं, हमारे मीटर क्यूब में कंसीडर करते हैं। मीटर क्यूब में हम मतलब ये क्यूबिकल कंटेंट हम मेजर करते हैं। फिर हमारा जो फर्स्ट फ्लोर या सेकेंड फ्लोर जो भी है उसका जो आरसीसी वर्क है वो मीटर क्यूब में कंसीडर करते हैं, बट उसका जो फ्लोर फिनिश है सेपरेटली हम स्क्वायर मीटर मतलब इसका उसका डिफरेंट होगा, इसका मीटर क्यूब में हम कंसीडर नहीं करते, इसका हम एरिया से कंसीडर करते हैं, मतलब जितना एरिया होगा उसके उसके बेसिस में हम मेजर करेंगे कितना हमारा रेट आता है, वो हमारा फ्लोर फिनिश सीमेंट कंक्रीट का हो या मार्बल या मज़ेक का हो, जो भी हमारा फ्लोर फिनिश है उसको हम इससे करते हैं, एरिया से कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट हमारा है रूफ। रूफ का जो हमारा सपोर्टिंग स्ट्रक्चर रूफर सेपरेटली इन मीटर क्यूब, रूफ का जो हमारा कंसिडर करते हैं वो जो मेजरमेंट करते हैं वो हम वॉल्यूम में मेजर करते हैं, जितना जितना वॉल्यूम का होगा वो वही रूफ हम रेट में रेनालिसिस में यूज़ करेंगे मेजर करने के। फिर जो हमारा कार्निशेस है ऑर्नामेंटल एंड लार्ज कार्निश आर मेजर्ड इन रनिंग मीटर, ये थोड़ा डिफरेंट है, इसमें हम जितना लेंथ का वो कार्निश है उसके बेसिस में हम पैसे देंगे, उसके बेसिस में हम एस्टिमेट करेंगे। सो ये लेंथ में कंसीडर करेंगे, जितना लंबा होगा उसके हिसाब से हम मेजर करेंगे। सो नेक्स्ट हमारा जो पिलर्स है, पिलर्स का जो यूज़ होता है, पिलर्स में हमारा जो जितना जो भी चीज़ें यूज़ होता है वो मीटर क्यूब में हम मेजर करते हैं,
और बाकी सब आप समझ लीजिए यहाँ पे पढ़ के, और कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नाउ हमारा डोर्स जो है, डोर्स हमारा जो है, तो डोर्स एंड विंडो फ्रेम्स और चौकट्स आर कंप्यूटर इन मीटर क्यूब, ये भी मीटर क्यूब में कंसिडर किया जाता है। हम पढ़ेंगे बाद में जब डिडक्ट करते हैं डिडक्शन में, हम डोर्स एंड विंडोज़ को मीटर क्यूब में कंसिडर करते हैं ताकि डिडक्ट कर सके हमारा जो मेसनरी स्ट्रक्चर है वहाँ से हम डिडक्ट कर सके, और बाद में हम देखेंगे। और यहाँ पे आप पढ़ लीजिए थोड़ा, ऐसे समझ में आ जाएगा। ये चौकट्स एंड फ्रेम्स का था। और जो डोर्स एंड शटर्स है, डोर्स एंड शटर्स हम जो यूज़ करते हैं उसको हम मीटर क्यूब में कंसिडर करते हैं, जो हमारा डोर्स यूज होता है। बाद में जो हमारा जितना डोर्स यूज होता है, जितना एरिया का डोर होगा उसको, उसके एरिया के बेसिस में हम उसका कंप्यूटेशन करेंगे। बहुत सारी चीज़ें होता है डोर्स में जिसको हम नंबर्स में भी मेजर करते हैं। ये आप पढ़ लीजिए यहाँ पे, कुछ समझ में आ जाएगा। ये चीज़ें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आयरन वर्क, जो भी चीज़ें हैं, जो आयरन का चीज़ें होता है वो नाम, कुछ चीज़ें नंबर में कंप्यूट करते हैं, कुछ हम वेट में कंप्यूट करते हैं। वे ये जो आयरन वर्क है, ये चीज़ें इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे उसके पॉइंट ऑफ व्यू में, हमारे सम्स के पॉइंट ऑफ व्यू में इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए। फिर हमने वाइट वॉश और कलर वॉशिंग, ये हम, ये तो आपको, ये तो जनरल कॉमन सेंस ही, इसको हम मीटर, इसको एरिया के हिसाब से बेसिस में कंप्यूट करेंगे। जितने एरिया का वाइट वॉश होगा या कलर वॉशिंग होगा वो उसके बेसिस में ही हम उसका पेमेंट करेंगे या इसको हम एस्टिमेट करेंगे रेट। पेंट भी सिमिलर टू दैट ऑफ वाइट वॉशिंग, इसका भी एरिया हम, एरिया के बेसिस में हम इसको पेमेंट करेंगे। फिर जो एक लमसम आइटम है, लमसम आइटम पहले भी मैंने मैंने बताया है पहले की वीडियोस में, सम लमसम आइटम्स आर प्रोवाइडेड स्मॉल आइटम्स और विच आर फॉर विच डिटेल क्वान्टिटीज कैन नॉट बी टेकन इन टेकन आउट इजिली और इट टेक्स सिग्निफिकेंट टाइम टू फाइंड आउट इन डिटेल्स। सो लमसम आइटम का सबका अलग अलग होता है, तो हम एक पर्टिकुलर एस्टिमेट कर लेते हैं कितना परसेंटेज हमें चाहिए होगा लमसम आइटम में, वो ऐड कर लेंगे हम। फिर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सिमिलर टू दैट ऑफ लमसम आइटम, वो इसका भी हम एस्टिमेट नहीं कर सकते कितना हमारा चाहिए होगा। सो सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई वर्क्स में 8% एंड इलेक्ट्रिफिकेशन 8% हम कंसिडर करेंगे टोटल एस्टिमेशन कॉस्ट से। सो वैसे ही करते हैं। सो इस वीडियो को यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और हमारे अगले आने वाले सभी वीडियोस देखते रहिए। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।